तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से भगवान मधुमेश्वर की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार, और एक और नई ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, तथा इन खूबसूरत पहाड़ों से भी आप लोगों का स्वागत है। तो आइए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत, तो जुड़िए मेरी एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए दिखाता हूँ आज का कुछ विशेष विशेष नज़ारे। तो चलिए, चहचहाती हुई चिड़ियाँ, और ये यहाँ पे लगा हुआ है नींबू बड़ा वाला, और ये बहुत घना जंगल और बुरांस के पेड़, आजकल बुरांस के फूलों से लदे हुए देखो लाल हो रखे हैं। वैसे बुरांस की तीन वैरायटियाँ होती हैं, तो एक लाल हो गया, एक गुलाबी होता है, और सफ़ेद वाला होता है, वो ऊपरी इलाकों में मिलता है। और निचले इलाकों में लाल और गुलाबी ही मिलता है बुरांस। तो अब आप लोग आजकल कुछ टाइम बाद जूस निकालेंगे, और इससे भी अच्छी आमदनी हो सकती है, क्योंकि जूस भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यात्री लोग आते हैं बाहर से, तो जूस भी आप पिला सकते हैं, और आजीविका आपका साधन हो सकता है आजीविका के लिए। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, और ये देख सकते हैं आप, ये देख लो, ये पक्षियों की चहचहाट आप सुन रहे होंगे, और ये मंगोली के ठीक ऊपर से है ये नज़ारा इस प्रकार का। और खूबसूरत यहाँ पे ये पेड़ों द्वारा सजाया गया है, और ये गांव के लोगों ने लगाए होंगे ये पेड़ कुछ, तो यहाँ पे भी इस प्रकार से सजा रखा लोगों ने। यहाँ नीचे देख लीजिए आप, टेंट भी लगे हैं यहाँ पे। तो ये घना जंगल है, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, एक हल्का रास्ता यहाँ पे जा रहा है जंगल के अंदर। तो मैं थोड़ा चल रहा हूँ अंदर, यहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, तो मैं सो बुरांस के ये फूल देखो, चहचहाती चिड़िया हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खूबसूरत रौनक है इन पेड़ों से। और देख लीजिए और घास से पूरा जंगल भरा हुआ है, और मैं इस समय इस जंगल के अंदर इन पक्षियों को देखने जा रहा हूँ। यहाँ पे लग रहा है मुझे अभी यहाँ पे तो इन लोगों की सुरक्षा से यहाँ पे कोई गाय गोई भी नहीं चढ़ती हैं, कोई यहाँ पे जंगली जानवर भी मिल सकता है हमको। और ये देख लीजिए घना जंगल अंदर कितना अच्छा खूबसूरत, ये पक्षियाँ भाग रही हैं मेरे डर से यहाँ से चहचहाती हुई। ये है मंगोली के ऊपर यहाँ पे ठीक रास्ते से लगी हुई ये जंगल। ये खूबसूरत नज़ारा जंगल के अंदर का, और यहाँ कुछ अंदर और दिख रहा है मुझे, फल भी लगे हैं जंगल के अंदर, देखता हूँ क्या है यहाँ। ये यहाँ पे चूल्हे भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पे कोई पिकनिक मनाने आते होंगे, ये देख लीजिए आप, वाह। तो ये चूल्हे लगा रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ मुझे ये देख लीजिए ये फल हैं, वाह। तो ये फल लग रहे हैं जैसा जेमर है, ये जेमर। तो मेरे दोस्तों, मैं मंगोली के ठीक ऊपर जंगल के अंदर घुस गया हूँ, और यहाँ पे लगे हुए जेमर लगे हुए हैं, तो मुझे ये लग रहा है यहाँ पे किसी के खेत हैं ये अंदर, और ये इन लोगों ने पेड़ लगा करके ऐसा सजा दिया अपने खेत को,
देखो कितनी खूबसूरत बना दिया है, यहाँ दुनिया भर की चिड़ियाएं हैं, और इस लग रहा है कि यहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी चरने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि घर के जानवरों के लिए यहाँ पे तो ना घास काट रखी है ना कुछ, ये ऐसा भरा हुआ है पूरा घास से, और मैं यहाँ आ रखा हूँ और कुछ खुशी का एहसास मुझे लग रहा है। वाह कितना सुंदर है यहाँ पे, फूल खिले हुए हैं ये देख सकते हैं आप, वाह बुरांस, और अच्छा खूबसूरत ये घना जंगल, वाह कैसा लकालक हो रखा है बुरांस का पेड़, और ये है जेमर, तो ये देख सकते हैं आप। मैं जा रहा हूँ इस समय, यहाँ अंदर घास बहुत सारा है, और देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, तो ये और मैं पहुँच चुका हूँ इस घने जंगल में, ये वाह ये देख लीजिए, कहीं से बाहर जाने का कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ऐसे ही जाना पड़ रहा है, घुसने के लिए तो घुस गया मैं, और अब बाहर जाना मुझे मुश्किल है, तो बाहर से पर्यटक लोग अगर आते हैं तो यहाँ पे इतना खूबसूरत है ये नज़ारा देखने के लिए, और देखो वाह। मैं थोड़ा नज़दीक आ गया हूँ बाहर जंगल से, तो दिख रही है मुझे रोड नीचे, ये गाड़ी की आवाज़, तो निकलता हूँ बाहर जंगल से, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा है, ये घना जंगल, ये पूरे मंगोली गांव के ही संरक्षण में होगा, ये है बुरांस का फूल देख लीजिए, इसमें रहता है अंदर शहद, शहद दिखा सकता हूँ अंदर कुछ रहता है थोड़ा ज़्यादा नहीं, इसके अंदर ये है जो ये काली वाली जगह है यहाँ पे है शहद, तो इसको आप खा सकते हैं बुरांस को, बोल लेकिन ज़्यादा नहीं कम, मैं पहले वाली वीडियो में बना चुका हूँ, ये लग रहा है मुझे मंगोली गांव, ऐसे संरक्षण के लिए बहुत ही सक्रिय है, कितना घना जंगल बचा रखा है यहाँ पे, हो सकता है इनके ही अपने खेत हैं, इन्होंने खुद के ये पेड़ पौधे लगाए होंगे और इस जंगल का संरक्षण कर रहे हैं, यहाँ पे देखो घने फूल चहचहाती चिड़ियाँ, और बहुत ही अच्छा रौनक लग रहा है, तो ऐसी सुंदर जगह आइए, और यहीं पे नीचे एक इनका रुकाने के लिए एक ढाबा होटल और टेंट लगे हुए हैं, तो उन लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं यहाँ अगर रुकना आपको होगा, देखो वाह आजकल मार्च लगने वाला है, और फूलों से ये जंगल कैसा लकालक हो रखा है, पूरी लाल ही लाल, वाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो थैंक यू धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट आगे वाली वीडियो में, तो तब तक के लिए इजाज़त हो, थैंक यू।